Welcome students, जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रिव्यू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, आइए देखें. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट एंड ऑल्सो द करंट I1, I2, I3 एंड I4. हमें एक सर्किट दिया गया है जिसके मतलब ये कहा गया है कि इसमें से जितनी भी हमारे पास इसके अंदर रेजिस्टेंसेज मौजूद हैं, रेजिस्टेंस से मुराद यानी कि ऐसी डिवाइस जो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है किसी भी पॉइंट पर. अगर रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद हो सर्किट में तो वहां से करंट को गुजरने में दुश्वारी पेश आती है. तो हमें ये कहा गया है कि सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंसेज मौजूद हैं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालनी है, यानी कि सारी जो रेजिस्टेंसेज हैं ये मिलके कितनी रेजिस्टेंस बनाएंगे सर्किट में. एंड ऑल्सो द करंट I1, I2, I3 एंड I4, यानी कि सर्किट में देखें हमारे पास चार रेजिस्टेंसेज है ना, R1, R2, R3, R4. तो हमें ये कहा गया है कि इन रेजिस्टेंसेज में से जितना जितना करंट पास हो रहा है, यानी कि हमने फाइंड करना है I1, I2, I3 और I4. ठीक है, तो चलें देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब जैसे कि हम ये जानते हैं, हमने डिस्कस किया था टॉपिक में कि जब भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस सीरीज में होती हैं तो उनमें से जो करंट होता है वो हमारे पास सेम पास होता है. ठीक है, यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि देखें यहाँ पे सर्किट में हम देख सकते हैं कि जो I1 है वो सीरीज में है एक और छोटे सर्किट के, और जो हमारे पास छोटा सर्किट है इसी सर्किट के अंदर वो किस पे मुश्तमिल है, वो है तीन रेजिस्टेंसेस पे मुश्तमिल है जिसमें R2, R3 और R4 ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं. ठीक, यानी कि अगर मैं कहूं कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस का भी मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगी तो मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी. और वो कैसे कि देखें यहाँ पे तो मैं ले रही हूँ R1, ठीक है, यहाँ पे R1 मौजूद है, और इसी तरह आगे मैं एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना देती हूँ जिसे मैं कहती हूँ R5. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो R5 है वो इक्वल है R2, R3 और R4 के मजमुए पे. ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे सर्किट में बना रही हूँ 6 वोल्ट की बैटरी हमने अटैच कर दी. ठीक है, जैसे कि सर्किट में हमारे पास चार रेजिस्टेंसेज हैं और साथ उनके 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो वही मैंने यहाँ पे शो कर दी कि अगर मैं R2, R3 और R4 के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R5 निकाल लूंगी. ठीक है, और उसको फिर मैं ऐड कर दूंगी R1 के साथ, तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी पूरे सर्किट की. तो देखें यहाँ पे मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स अब क्या आ गए इस सर्किट के, क्या R1 के अक्रॉस जो करंट है वो भी मेरे पास सेम होगा, यानी कि I1 है, ठीक है, तो R5 है, अगर उसके अक्रॉस I5 में करंट लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि जो I1 है वो इक्वल है I5 के, और ये दोनों इक्वल हैं I के, यानी कि जो पूरा करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, I वो दोनों दोनों रेजिस्टेंसेस में से सेम पास हो रहा है क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है हमारे पास. तो चलें सबसे पहले डाटा लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज मौजूद हैं. सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस हैं इस सर्किट में, जो कि हैं R1 इक्वल है हमारे पास 4 ओम्स के, ठीक है, 4 ओम्स के इक्वल है, R2 हमारे पास इक्वल है 2 ओम्स के, R3 है हमारे पास 3 ओम की, और R4 है हमारे पास 6 ओम की. ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि इस पूरी सर्किट में मौजूद होगी, जिसको हम कह देते हैं R. ठीक है, R से मैंने उसको डिनोट कर दिया, और उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो करंट है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि I1 फाइंड करेंगे, I2 फाइंड करेंगे, I2 फाइंड करना है हमने, और फिर आता है I3, और फिर हमने फाइंड करना है I4. ये तो काफ़ी क्वांटिटीज देखें हो गई हमारे पास जो हमने सॉल्व करनी है. ठीक है, तो चलें अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने R फाइंड करना है. ठीक है, और R फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपने सर्किट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें दो प्रॉब्लम्स में, कि सबसे पहले हम स्मॉल सर्किट को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास स्मॉल सर्किट था R2, R3, R4 का, और उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे R5. फिर हम R5 को R1 के साथ सम कर देंगे उसका, ताकि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाए. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सर्किट है R2, R3, R4 का, अब वो तीनों के तीनों पैरेलल में हैं, और हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंसेस होती हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो रेसिप्रोकल की मदद से आती है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1/R5 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, और ये तीनों के तीनों इक्वल है हमारे पास 1/2
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये 2 ओम है, 3 ओम, 6 ओम, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, देखें ओम आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा, जब हम आर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओम। ये हमारे पास आ गई आर 5। और देखें सर्किट में हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस अब कैसे आ जाएगी, आर 1 प्लस आर 5, क्योंकि आर 1 और आर 5 अब सीरीज में आ गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल आएगी आर 1 प्लस आर 5, और आर 1 हमारे पास क्या है, आर 1 हमारे पास है 4 ओम्स, और आर 5 हमारे पास आई है 1 ओम। तो हमारे पास टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई वो हमारे पास आ गई 5 ओम, ठीक है। यहाँ पे दोबारा लिखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो आ गई है 5 ओम, ठीक है। ये तो हमारा एक जो पार्ट है हमारे क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। आगे देखिए हमने निकालने हैं करंट की वैल्यूज। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारे पास है आर 1 और आर 5, ये दोनों सीरीज में, तो इनके अक्रॉस जो करंट गुजरेगा वो सेम गुजरेगा, ठीक है। यानी कि आई 1 इक्वल टू होगा आई 5 का, और ये दोनों इक्वल होंगे आई के। तो इस तरह करते हैं कि जो आई है हमारे पास टोटल करंट जो है सर्किट में उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे वैल्यू आएगी हमारे पास, आई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल है हमारे पास बैटरी का वो हमारे पास कितना है, वो है 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है सर्किट में, वो आई है 5 ओम्स। तो हमारे पास यानी कि जो टोटल करंट है वो आ गया हमारे पास 1.2 एम्पेयर। दैट मीन्स के जो हमारे पास आई 1 इक्वल टू आई 5 इक्वल टू आया हमारे पास 1.2 एम्पेयर, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसके बाद निकालने हैं आई 2, आई 3 और आई 4। तो जैसे कि सर्किट में ऊपर हम देखते हैं कि देखें जब हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंसेस होती हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे वी 1 इक्वल नहीं होगा वी 5 के, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हुई होती हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। यानी कि हमारे पास हो जाएगा कि जो वी 2 है इक्वल टू वी 3 इक्वल टू वी 4, वो इक्वल हो जाएगा वी 5 के। दैट मीन्स कि अब हमें दो वैल्यूज निकालनी है, वी 1 की और वी 5 की, ठीक है, ताकि हम आई 2, आई 3 और आई 4 निकाल सकें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए हमारे पास वी 1 की वैल्यू क्या आएगी, वी 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास आई 1 आर 1, ठीक है। तो हमारे पास आई 1 की वैल्यू आई थी 1.2 और आर 1 की वैल्यू हमारे पास है 4 ओम्स, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, ये 1.2 एम्पेयर है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर वी 1 आ गया 4.8 वोल्ट्स। तो वी 5 हमारे पास कैसा आ जाएगा, वी 5 आ जाएगा हमारे पास टोटल पोटेंशियल माइनस वी 1, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल हमारे पास है 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट माइनस 4.8 वोल्ट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.2 वोल्ट के। दैट मीन्स कि हमारे पास आ गया कि वी 2 इक्वल्स टू वी 3 इक्वल्स टू वी 4 था हमारे पास, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंसेस हमारे पास पैरेलल में हैं, तो इनका जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इक्वल आ जाएगा वी 5 के, जो के है 1.2 वोल्ट्स के। तो अब इजीली हम लोग जो हैं करंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, जो हमारे पास आएंगी आई 2 इक्वल्स टू वी 2 डिवाइडेड बाय आर 2, जो कि इक्वल बनेगा 1.2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2 ओम, और ये इक्वल आ रहा है हमारे पास 0.6 एम्पेयर के। इसी तरह हमारे पास आई 3 की वैल्यू आ जाएगी वी 3 डिवाइडेड बाय आर 3, जो कि इक्वल बनता है 1.2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 3 ओम के, और ये इक्वल आ रहा है हमारे पास 0.4 एम्पेयर के। और आई 4 हमारे पास किस तरह आ जाएगा, वो भी इसी तरह से आएगा कि वी 4 डिवाइडेड बाय आई 4, और वी 4 हमारे पास जैसे कि है 1.2 वोल्ट्स, और आर 4 हमारे पास है 6 ओम, तो ये इक्वल आ रहा है हमारे पास 0.2 एम्पेयर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको चेक करने का तरीका ये है कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो तीनों करंट्स हैं, ठीक है, तीनों करंट्स का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए आई 5 के, क्योंकि देखें जब हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंसेस होती हैं जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल सेम रहता है तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, लेकिन जो हमारे पास करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि हमारे पास आना चाहिए आई 2 प्लस आई 3 प्लस आई 4, इन तीनों को ऐड जब करें 0.6 एम्पेयर प्लस 0.4 एम्पेयर प्लस 0.2 एम्पेयर,
तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2 एम्पेयर, जो कि इक्वल है I5 के। दैट मींस कि हमने जो अपनी कैलकुलेशंस की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं, क्योंकि इन तीनों की जो समेशन है वो इक्वल आ रही है I5 के। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।